जय हिंद दोस्तों, स्टैटिक जीके की श्रृंखला में आपका स्वागत है और हम आज पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 23। कौन सी 23? तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एमी पुरस्कार, क्या कह रहा है कि जो एमी पुरस्कार है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस क्षेत्र में दिया जा, किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो आपसे बता दें, ये टेलीविजन क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक। किसके, कौन सा? टेलीविजन। क्या पूछ रहा है? एमी, अगर यही कह दे कि ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र का है, तो आपसे बता दें वो संगीत क्षेत्र का दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो आपसे बता दें कि विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, वन स्ट्रा रिवॉल्यूशन किसने लिखा? तो आपसे बता दें, मोसानोबू फुकुओवा ने लिखा था। मोसानोबू फुकुओवा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है कि मिस वर्ल्ड, ध्यान रखना, एक मिस यूनिवर्स होता है, मिस वर्ल्ड, पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं इसमें दी गई हैं। तो अब आपको उसमें बताना है कि कौन कौन है। तो आपसे बता दें, कुमारी रीता फारिया बिल्कुल सही है, ये मिस वर्ल्ड इन्होंने जीता था, ठीक। अगर कह दें ऐश्वर्या राय, तो ये भी बिल्कुल सही है। लारा दत्ता, ये गलत है, लारा दत्ता मिस वर्ल्ड नहीं, इन्होंने मिस यूनिवर्स जीता है। क्या जीता है? मिस यूनिवर्स जीता है। बाकी युक्ता मुखी ने जीता है, डायना हेडन ने जीता है, प्रियंका चोपड़ा ने जीता है। तो इसका मतलब अगर बात करें तो तीसरा नंबर इसमें से नहीं आएगा, तो तीसरा नंबर लारा दत्ता ने मिस वर्ल्ड नहीं, मिस यूनिवर्स जीता है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें तीन नंबर देखिए कहीं नहीं, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इन्होंने मिस यूनिवर्स जीता। अगर मिस यूनिवर्स आपको बता दें तो तीन, अब तक तीन महिलाओं को मिला है। सबसे पहला मिला था, आपको बता दें, सुष्मिता सेन को। किसको मिला था? सुष्मिता सेन को सबसे पहला, ठीक। फिर उसके बाद लारा दत्ता को, और फिर उसके बाद आपको पता होगा कि जो हरनाज संधू थी, कौन थी? हरनाज संधू, उनको ये। तो अब लग तीन भारतीय महिलाओं को मिस यूनिवर्स दिया गया है, ये याद रखना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रैमी पुरस्कार, देखिए आ गया वही, उधर ऊपर आया था एमी, इधर आ गया ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए? तो संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर अगर पूछ दे, तो ऑस्कर जो है वो फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर दादा साहब फाल्के पूछ दे, तो भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में, बिल्कुल सही, किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी हेतु। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से सी पार्ट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में दिखाना है, किस क्रम में? घटते हुए क्रम में दिखाना है। तो अब देखते हैं घटते हुए क्रम में कैसा। सबसे पहले अगर बात करेंगे साक्षरता में सबसे आगे, तो साक्षरता में सबसे आगे जो राज्य है वो है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम है बिल्कुल, सबसे साक्षरता दर में सबसे पहले मिजोरम। फिर उसके बाद आपको बता दें गोवा, फिर उसके बाद आपको बता दें हिमाचल प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र। तो इस हिसाब से देखते हैं तो सात का ए पार्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? तो बिल गेट्स जो है संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट के। अगला देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, ये शायद नया नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश है और उनकी राजधानी।
तो सबसे पहले देखते हैं इनमें से एक दो अगर आपको पता हो तो वो पहले मिला सकते हैं आप। देखते हैं अगर बात करें तो मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है कौन सी, उलन बटोर। तो आप देखते हैं सी को चौथे से कोई मिला रहा, तो सी को चौथे से देखिए ये दो मिला रहे, एक ये सी पार्ट भी मिला रहा है और एक देखते हैं कि सी को चौथे से ये देखिए बी पार्ट भी मिला रहा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, शुरुआत से ही देख लेते हैं, मान लो ये आया इससे पकड़ नहीं पाए। अब आते हैं आगे, नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। ठीक, अगर लीबिया की बात करें तो उसकी राजधानी ध्यान रखना त्रिपोली है। अगर सीरिया की बात करें तो उसकी राजधानी क्या है, दमस्क। तो डी को दूसरे से, तो डी को दूसरे से ये देखिए, तो सी पार्ट बिल्कुल सही आएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको बता दें कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है, कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व की बात की जा रही है। फिर उसके बाद सुमेलित करना है, कुछ लोक कलाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य है। तो रंगोली जो लोक कला है महाराष्ट्र की फेमस लोक कला है, साथिया जो है वो गुजरात से है, गोदना जो लोक कला है वो बिहार से है, और इसके अलावा मथरेड़ा जो है राजस्थान से है। तो ये सब बिल्कुल सही सही मिले हैं। तो पहले का यानी 11 का नंबर पहला पार्ट सही है। आपसे बता दें रंगोली अगर चौकपूर्णा कह दे तो चौकपूर्णा जो है वो यूपी और बिहार की सबसे फेमस लोक कला है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा हुआ है, तो 38वीं समांतर रेखा द्वारा हुआ है। निम्न में से भारतीय नौसेना के सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो INS विक्रमादित्य जो है वो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन है। तो आपसे बता दें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। ठीक, ये मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की सम्मान रेमन मैग्सेसे के उसमें दिया जाता है। और आपसे बता दें विनोबा भावे को सामुदायिक क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया था, सामुदायिक, तो पहले थे। और आपसे बता दें कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा भूदान आंदोलन, कहाँ से, उस समय आंध्र प्रदेश से चला था, आज ये तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से चला था, तो आज ये तेलंगाना में है। ठीक, तो आचार्य विनोबा भावे तो इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था और ये गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य थे। कौन थे, गांधी जी के आध्यात्मिक। इसके अलावा आपसे बता दें पौनार आश्रम, पौनार आश्रम जो भी है वो भी इनके द्वारा बसाया गया है यानी स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। तो ठीक है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, बिहार का, तो ए पार्ट। ठीक, फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो जनघनत्व सबसे, मतलब बिहार के बाद कम किसका है, तो पश्चिम बंगाल का। फिर उसके बाद देखेंगे तो केरल का, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का। तो इस हिसाब से सी पार्ट बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना जोहरा सेगल को कहा जाता है। किसे, जोहरा सेगल को। ठीक, इससे क्वेश्चन और आपको बता दें कि जो नरगिस दत्त है, ठीक, ये राज्यसभा में नॉमिनेट पहली महिला है, राज्यसभा में नॉमिनेट यानी नामित पहली भारतीय अभिनेत्री है, ये याद रखना। ठीक, अगर अभिनेता कह दे तो पृथ्वीराज कपूर थे राज्यसभा में नॉमिनेट पहले अभिनेता। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हैं,
तो आपसे बता दें ये जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है, तो एक बार लगभग 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एरा ऑफ डार्कनेट पुस्तक किसने लिखी है जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है, तो ये जाने माने लेखक शशि थरूर ने लिखी है। किसने लिखी है? शशि थरूर ने। ठीक, वी एस नायपाल, आपको बता दें कि इनको साहित्य में भारत में यानी भारतीय लेखक जिनको साहित्य में क्या मिला है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे पहला किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो आपसे बता दें विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की गई थी। होमी जहांगीर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसका नाम बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रांपे, ठीक, तो उनके द्वारा। इस तरीके से ये हमने अपने क्वेश्चन कंप्लीट किए और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा जिससे आपको कई क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएं, तो दोबारा अगर वो एग्जाम में आए तो आप उन्हें अच्छे से कर सकें। तो इस तरीके से आप श्रृंखला हम जारी रखेंगे, आप ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।